नमस्कार दोस्तों, तो याद रखिए आज का ये टॉपिक आपका मध्य प्रदेश के जो भी परीक्षाएं होंगी, या एमपीपीएससी हो गया, बाकी जो परीक्षाएं हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। ये अभी आपने देखा है कि हमारा घर हमारा विद्यालय एक कार्यक्रम आपका मध्य प्रदेश में चलाया गया है। तो आर्टिकल को जानने से पहले हम लोग थोड़ा मैप्स में स्थिति देख लेते हैं इसकी, मध्य प्रदेश की। ये हमारा हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे कि एशिया में हमारा प्यारा ये है आपका भारत, ये आपका इंडिया है। इसमें देखेंगे मध्य में, बिल्कुल मध्य में आपका मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा। ये आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है। इसकी राजधानी है आपकी भोपाल, और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 7,26,00,000, 26,809 यहाँ की टोटल आबादी है, जनसंख्या। इसका घनत्व की बात करें तो 236 वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, और क्षेत्रफल की बात करें तो 308, यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। पर आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है 1 नवंबर सन 2000 को। इस समय आपके यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और जो मुख्यमंत्री यहाँ के वो है शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, और राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो आपको यहाँ 11 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि विधानसभा सीटों की बात करें तो 230+1 जो आपकी राज्यपाल नियुक्त करता है, और 230 आपके मेंबर डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इतना इनके बारे में याद रखिए। अगर इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से इसकी सीमा देखने को लगी हुई है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने कि सरकारी विद्यालयों में केवल 30% छात्र ही नियमित रूप से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल हो सके। जो एक कार्यक्रम चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इसमें केवल टोटल जो सरकारी विद्यालयों में लड़के बच्चे पढ़ते थे उनमें से 30% छात्र ही इसमें शामिल हो पाए। आखिर क्यों, क्या कमी रह गई? तो हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम, या मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घर पर ही शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक शिक्षण कार्यक्रम है। सबसे कई बार पूछ लेगा, आपका वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि एक किस विभाग के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखना, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी यानी कि COVID-19 के चलते विद्यालयों के बंद होने के कारण 22,00,000 छात्रों तक इस कार्यक्रम की पहुंच को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के पीछे मुख्य रूप से इस अवधारणा को सुनिश्चित करना है कि छात्र घर पर नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तथा घर पर ही अपने बड़ों द्वारा जीवन कौशल को भी सीखते हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश दूरदर्शन द्वारा निश्चित समय पर प्रारूपीय कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। इसके 3 भाग हैं, जो पुनर्कथन, एक नई अवधारणा का वितरण, और तीसरा है अवधारणा के अभ्यास पर आधारित है। व्हाट्सएप के डिजिटल लर्निंग इनहांसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से वीडियो प्रैक्टिस सेट, क्विज के रूप में अध्ययन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को टीवी कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया गया है। एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी हमारे देश में तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम, पर चाहे आपका लोग कोई भी चला लीजिए, जब तक हमारे देश में बेहतर कनेक्टिविटी, डेटा की कनेक्टिविटी ना रहे। और सबके पास आप देखिए कि मोबाइल फोन आज भी नहीं उपलब्ध है। आप सोचिए, घर में 3-4 बच्चे हैं किसी के, आप सोचिए किसी की क्षमता नहीं है कि 3-4 फोन वो दिला दे अपने बच्चों को, और डाटा आप 3-4 फोन में डाटा रिचार्ज करवा ले। गरीबों के लिए आप देख रहे हैं कि खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो अपने बच्चों को मोबाइल देकर इस तरह की सुविधा नहीं दिला सकते हैं। और फिर बात एक और याद रखिए, गांव में आप देखते हैं कि डेटा मतलब नेटवर्क कैसा रहता है, उसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी, लाइट, बिजली की सुविधा आप देखते हैं कि मोबाइलों के लिए चार्जिंग तो होनी चाहिए, इस तरह की भी व्यवस्था खस्ता हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि टोटल 30%, आप सोचिए कि 100% में से केवल 30% ही लोग इसमें शामिल हो पाए इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम से संबंधित अगर मुद्दे की बात करें हम लोग, तो 18 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य यह कार्यक्रम कुल आपका 30% छात्रों तक पहुंचने में सक्षम रहा। 20% छात्र टीवी के माध्यम से और 10% छात्र व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
30% छात्रों के परिवारों के पास अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ टीवी या स्मार्टफोन नहीं होते हैं। कितने? 30% छात्रों के पास। जिन परिवारों में इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन का विकल्प उपलब्ध है, वहाँ माता पिता अक्सर स्मार्टफोन को काम के समय अपने साथ ही ले जाते हैं। आप सोचिए कि कोई अगर रिक्शा चला रहा है, या फिर कोई भी बच्चा है जो काम उसके पिताजी काम करते हैं बाहर, या माँ उसकी काम करती है, तो आप सोचिए कि इतना मतलब उन्हें भी फोन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि वो काम पर जा रहे हैं अपना फोन घर छोड़ जा रहे हैं, बच्चों के लिए इतनी भी सुविधा नहीं है। शेष छात्र सीखने के प्रभाव कम को तोड़ते हुए नियमित रूप से इस अध्ययन मॉड्यूल का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ जैसे जिलों के 89% नवासी आदिवासी बहुल ब्लॉकों में छात्रों तक इस कार्यक्रम की पहुंच को सुनिश्चित करना स्वयं में एक बड़ा कार्य है। आप जानते हैं अलीराजपुर वही जिला है जहां सबसे कम आपका शिक्षा का अनुपात देखा जाता है शिक्षित लोगों का, समझ रहे हैं? ये सबसे पिछड़े हुए जिले माने जाते हैं। सुझाव की बात करें तो छात्रों को प्रज्ञाता दिशा निर्देशों के साथ जोड़ते हुए टीवी एवं फोन की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। यदि किसी परिवार के पास फोन है तो इसका उपयोग कर उसके सभी बच्चों द्वारा अपनी पढ़ाई के लिए किया जाना चाहिए। जिसके पास टीवी है उन्हें दूरदर्शन पर निश्चित निर्धारित समय प्रसारण टेलीकास्ट को देखना होगा। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस पर हम लोग व्यापक से चर्चा कर चुके हैं बहुत विस्तार से, तो इसे जाकर देख लें आप लोग। मैं प्रौद्योगिकी का समान उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल शिक्षा पर एक खंड भाग जोड़ा गया है। निजी संस्थान व प्राइवेट प्लेयर्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से छात्रों के लिए ई संसाधनों की पहुंच एवं उपलब्धता को सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकारी की परिभाषा को ऑनलाइन शिक्षा तक विस्तारित एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि यह ज्ञान एवं सूचना तक लोगों के जुड़ाव तथा पहुंच के महत्व को संबोधित कर सके। याद रखिए, आपका जो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, 21 का के तहत जोड़ा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 21 का के तहत। ये आपका सन 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिए। यही पॉइंट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपका बहुत से देखने को मिलेगा, ये आपका हो सकता है आपका MPPSC जो मेंस हो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस, इससे आधारित आपका क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है?